कैसे एक मजदूर रातों रात बन जाता है करोड़पति। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके साथ इस प्रकार की जानकारी आज लेकर आए हैं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक युवक जो मजदूरी करता है, आखली में पट्टियां उठाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, जिसके पिताजी भी मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उनके 12 मार्च 2024 की रात है, वो वरदान बन के आई है और किस प्रकार से मजदूरी करने वाला का परिवार है वो करोड़पति बन जाता है। किस प्रकार से करोड़पति बना है, ऐसा क्या कर दिया कि उसके इस खाते में 1,05,07,000 की राशि जमा हो जाती है, ऐसा उस युवक ने उस रात क्या किया था। तमाम जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहना। हम बात कर रहे हैं नागौर जिले का, जो राजस्थान का नागौर जिला है, जिसकी रिया तहसील का कस्बा है जसनगर, जहां पे हरिजन समाज के रूपाराम पुत्र श्री कचुराम के खाते में 1,05,07,000 की राशि किस प्रकार से आती है। तो तमाम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जी हाँ, हम बात करें जसनगर के रूपाराम हरिजन की, जो आखली में पट्टियां उठाकर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है, लेकिन 12 मार्च की रात है, उनके लिए वरदान बन के आई है, उनके परिवार के किस्मत और तकदीर बदल दी। क्या हुआ उस रात को, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, रूपाराम पिछले 7-8 महीने से मोबाइल पर है, ड्रीम 11 नाम का ऐप है, उसके माध्यम से वो क्रिकेट की टीम चुनता है और उसमें अपने किस्मत आजमाता है। 7-8 महीने से उस काम में लगा हुआ था, लेकिन 12 मार्च की रात है, उसके लिए वरदान बन के आई। उसने जो आईपीएल, महिला आईपीएल चल रहा है, उसमें 2 टीमें बनाई थी, 59 रुपए लगाए थे, 59 रुपए की 2 टीमें बताई थी। एक टीम में तो हार गया, लेकिन जो महिला आईपीएल की टीम थी, बेंगलुरु वर्सेज मुंबई की टीम थी, उस पे उसने 59 रुपए से लगाकर अपनी टीम बनाई और वो टीम इतनी अच्छी खेली कि उसके किस्मत बदल गए। देखते ही देखते रूपाराम उसमें 1.5 करोड़ की राशि जीत जाता है। 1.5 करोड़ की राशि 12 मार्च की रात को मैच था, उस समय वो जीत जाता है, लेकिन ये राशि उसके खाते में आती है बुधवार 13 मार्च 2024 को। तो उसका 30% टीडीएस कट के उसके खाते में, आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं, उसके खाते में 1,05,07,000 की राशि आ जाती है। ये 7,000 से ऊपर की जो राशि उसके पहले ही अकाउंट में थी, लेकिन वहां से जो राशि आती है 1,05,07,000 की राशि उसके आ जाती है। ये खबर फैलते ही उसके समाज और आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी और ग्रामीण और उसके रिश्तेदार उसको बधाई देने का तांता लग चुका है। तो इस खबर के 2 पहलू है, किस प्रकार से मोबाइल पे जो बच्चे लगे रहते हैं उनका अगर सदुपयोग करें तो करोड़पति भी बनने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन इसका दुरुपयोग करना कहीं खतरे से भी खाली नहीं है। तो रूपाराम ने 1 करोड़ की राशि जीती है और उसने खुद बताया कि वो मजदूरी करते हुए अपना जीवन पालन कर रहा था। जिस प्रकार से उसने 1 करोड़ की राशि जीती है, तो उसने अपने भविष्य का भी उसने निर्धारण कर लिया कि किस प्रकार से वो भविष्य में रहेंगे। और रूपाराम बताते हैं कि 1 करोड़ की राशि मेरे पास आई है, पैसे मेरे पास खर्च हो जाएंगे, इसकी मैं जमीन लूंगा ताकि मेरे पैसे कभी खर्च नहीं हो और मेरे परिवार को किसी प्रकार की मजदूरी करके अब जीवन यापन नहीं करना पड़े। तो बता रहे कि इन पैसों में जितनी भी जमीन आएगी वो जमीन लूंगा और 1,00,000 रुपए गौशाला में देने की भी उसने घोषणा की है। इसके साथ ही उसने बताया कि मेरे बच्चों को भी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पा सके। तो ये खबर है किस प्रकार से एक युवक की किस्मत बदली और रातों रात वो करोड़पति बन जाता है। जिस प्रकार से युवक ड्रीम इलेवन पे अपने भाग्य आजमाते हैं, लेकिन लाखों में कुछ लोग होते हैं जिनके भाग्य में इस प्रकार की खुशखबरी आती है। तो रूपाराम हरिजन के जिंदगी में 12 मार्च की रात तो वरदान बन के आई है, उस परिवार को जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था, किस प्रकार से उसको करोड़पति बना दिया है समाज की नजरों में, इस परिवार की किस प्रकार से अब ये करोड़ राशि जीतने के बाद समाज की जो लोग हैं उसको बधाइयां दे रहे हैं, ग्रामीण हैं बधाइयां दे रहे हैं, उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं और रूपाराम है वो खुशी से, उनका परिवार खुशी से फूला नहीं समा जा रहा है, क्योंकि किस पर उसने 200-500 रुपए की मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया है, वहीं आज उसके खातों में करोड़ों की राशि जमा हो गई है। तो देखते ही देखते एक परिवार है किस प्रकार से रातों रात मजदूरी करने वाला जो 59 रुपए लगाकर 1 करोड़ की राशि जीत चुका है, 1.5 करोड़ राशि जीती थी, लेकिन टीडीएस कट के उसके खाते में 1,05,00,000 की राशि आई। मारो नाम रूपाराम हरिजन हूँ, मेरे पिताजी का नाम कचुराम जी हरिजन है, मैं आगली में काम करूँ और मैं एक टीम लगाई जी को हमारी टीम सक्सेस देगी, 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया आएगा हमारे। कुल पैसे, कुल पैसे खाते में कितने आए? 1,05,07,000। तो ये जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें।